गुड इवनिंग व्यूअर्स, टुडे आई विजिट पताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस एयरपोर्ट फ्रॉम पताया बीच टू एयरपोर्ट इज 47 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। एंड अदरवाइज इफ यू कमिंग फ्रॉम मिडल ईस्ट सो यू नो नीड टू गो बैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यू डायरेक्ट टू कम पताया फिले दुबई। Every day, two flight, one in the morning, one in the night. So today I visit there and I speak some few minutes English speaking there in Pattaya International Airport. Very good airport and good service there. Kindly, you want come to Thailand, visit direct to Pattaya. So better you will come from, you will buy from Philae Dubai ticket. फिले दुबई एयरक्राफ्ट, फिले दुबई फ्रॉम दुबई टू डायरेक्ट पताया। सो आई हैव टू टेल माई ऑल्सो उर्दू स्पीकिंग। जी, मैं आज गया था पताया एयरपोर्ट पे, तो आप लोगों को कुछ मालूम देने के लिए मैं वहाँ गया था। तो अभी ये वीडियो देख के फिर मैं इसकी बात खुदा पे सुनाता हूँ। ये पहले इंग्लिश में बात करूँगा, फिर थोड़ा बाद में फिर उर्दू में कंटिन्यूस बात करूंगा, ठीक है? ओके। दिस इज द डिजाइन एयर इन द हेयर उतापाओ एयरपोर्ट, वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट वी सी द उतापाओ एयरपोर्ट राइट नाउ। दिस इज टर्मिनल उतापाओ एयरपोर्ट इंटरनेशनल। Viewers, this is for Pattaya and Rayong International Airport, Utapao. The good news, the Philae Dubai, if you want the more cheap aircraft, cheap air ticket from Dubai to direct flight, come every day here, Philae Dubai. Only sometime is one day is not come, then again, every day he is Philae Dubai coming and going. Departure from Utapao to Dubai, every day available. 1 week only 5 times and 2 days stop. 2 days stop aircraft is Philae Dubai, but 1 week is 5 days. 5 times is available day and night, Utapao. Air Asia also here. Maybe, yes, Air Asia available here also, and that is office sales counter, and we will see what it is. Yes, Pattaya Aviation office and no Airways all here. We will see now schedule which aircraft right now is available. From Chiang Mai to, yes, Thai Leon Air is from Chiang Mai around 2 p.m. 25 minutes. Oh, this is departure from 2 p.m. right now is 1 p.m. 1:53. This is the departure timetable, 2 p.m., 3 p.m., 5 p.m. Bangkok Airways go to, here is the writing in Thai language, so I don't know, sorry viewers. But this is the Utapao Airport, everybody not see here, where is the Pattaya Airport, this one. This is the Pattaya Airport terminal. पताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
There is a car parking. Yes, gate number 2, Utapao Airport. Utapao International Airport, Rayong, Pattaya. Terminal 2. Dubai come from Dubai to direct Utapao International Airport from Dubai. From Dubai to direct Utapao. Available 1 week is 5 times, is 6 times. 6 days. So right now I can speak Urdu also because some my viewers from Pakistan and India, so they want Urdu speak also. Assalamu alaikum. जी मैं आज आया हूँ, ये एयरपोर्ट है जो पताया और रयोंग के बीच में है एयरपोर्ट. जैसा आप लोग पाकिस्तान से आना चाहोगे सस्ते फ्लाइट पे, तो फिर आप लोगों को पहले दुबई के ज़रिए आना पड़ेगा, फिर बैंकॉक में स्टॉप नहीं होगा, डायरेक्ट पताया में आ जाओगे. ये एयरपोर्ट सामने जो पड़ा हुआ है, यहाँ से एंट्री है और वहाँ से इंटरनेशनल एंट्री है. देखो मेरा जो डायरेक्शन दे रहा है ना, उधर भी चले जाएंगे. यहाँ से आप लोगों को ताई एयरवाइज नहीं मिलेगा, ये लोन एयरलाइंस मिलेगा, ताई लोन एयरलाइंस. और पहले दुबई जो है ना, डायरेक्ट आ जाता है दुबई से, सस्ता फ्लाइट है, वो डायरेक्ट आता है इसी एयरपोर्ट पे. जैसा आप लोग पता है आना चाहोगे, डायरेक्ट आना चाहोगे, तो फिर फिले दुबई के ज़रिए आ जाओ. टिकट भी थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है, और हफ्ते में मेरे ख्याल में एक दो दिन नहीं होगा, बाकी सब दिनों में होगा ये फ्लाइट. दूसरी जानिब से ये एयरपोर्ट वैसे तो क्वाइट है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं आते हैं. चले मैं आप लोगों को और आगे जाके. वैसे तो डोमेस्टिक गेट है, लेकिन इंटरनेशनल वहाँ से शुरू होता है. ये देखो, ये जो है ना एयरपोर्ट के अंदर टर्मिनल है. यहाँ पर मतलब इतना रश नहीं है, क्योंकि इधर फ्लाइटें बहुत कम आते हैं. लेकिन कौन सी फ़्लाइटें यहाँ से जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ. ये देखो ताई लियोन एयरलाइंस, यहाँ से चांग माई आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा. ताई लियोन एयरलाइंस, आप लोगों को चंगमई से डायरेक्ट आना है पताया की तरफ, तो इसी एयरक्राफ्ट के ज़रिए आप लोग आ सकते हो डायरेक्ट. और वैसे यहाँ पर बैंकॉक एयरवाइज भी जाता है, मगर ATR एयरलाइंस है, छोटा जो होता है ना फोकर, और यहाँ से डायरेक्ट कोसमो जाता है और पॉकेट जाता है. दो फ्लाइट हैं ये. देखें मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ ना, ये बैंकॉक एयरवाइज आपको यहाँ से कोसमो जाना है, कोसमो आइलैंड, तो डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है आपको यहाँ से डायरेक्ट कोसमो आइलैंड. और फिले क्या नाम है इसका, फोकेट का भी डायरेक्ट फ्लाइट ये प्लेन जाता है. इसके अलावा उधर नॉक एयरवेज भी लिखा हुआ है, वो भी जाता है कहीं थाईलैंड के अंदर, पता नहीं कौन सी शहर में, देखेंगे पहले. ये देखो, ये जितने काउंटर हैं यहाँ पर इंटरनेशनल, इधर आपका जो है ना कुछ चीज़ लॉस हो गया तो ये होते हैं. और नॉक एयरवाइज भी यहाँ से जाता है. ये देखो, शायद अभी इसका टाइम नहीं होगा, बंद है ऑफिस, लेकिन यहाँ से नॉक एयरवाइज जाता है कोई थाईलैंड का कोई और जगह में.
ये देखो ये कनेक्ट होते हैं, ये पताया एविएशन, ये जगह में जाते हैं शायद एयरपोर्ट होंगे। हाँ मेरे ख्याल में एयरपोर्ट होंगे, इसलिए इन्होंने ये चीज़ बना के रखा, ये नक्शा। पताया एविएशन लिखा है और यहाँ से एयरो एशिया का भी जो है ना टिकट सेल होते हैं, मेरे ख्याल में लिखा हुआ है सेल्स काउंटर, यहाँ पर एयरो एशिया का होगा शायद, देखेंगे। जी हाँ ये एयरो एशिया का है, ठीक है। यहाँ देखो ये एयरो एशिया का कैबिनेट था, तो ये यहाँ पर जो है ना अपना वज़न वगैरह मतलब लगेज का वज़न चेक करके उसके बाद फिर जा सकते हो। बाकी यहाँ पर अभी कौन सी फ्लाइट आ रहा है आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर अभी ये रेंडविक्स जो आया रशिया से डायरेक्ट, बड़ा फ्लाइट है बोइंग 777, ये आता है अभी बैंकॉक एयरवाइज, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, इधर ताई लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हाँ कोसमोए से आ रहा है, जा रहा है शायद, डिपार्चर है ना, कोसमोए जा रहा है। और ये रशिया का अंदर एक सिटी है, इसका नाम ये है देखो ज़कोवा किसी, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये जगह में जाता है अभी तकरीबन 3:35 में यहाँ से टेक ऑफ करता है, और ये 17:15 में, मतलब ये 5:15 में यहाँ से कोसमो के लिए छोटा फ्लाइट होगा ATR बैंकॉक एयरवाइज। बाकी ये हाल है देखो यहाँ पर, वैसे तो क्वाइट सिचुएशन है ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, इधर दिन में 4-5 फ्लाइट आते हैं और 4-5 फ्लाइट जाते हैं। लेकिन खुशखबरी यही है कि यहाँ से आप लोगों को पहले दुबई जो है ना डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है पताया आने के लिए, बैंकॉक में जाने का ज़रूरत नहीं है। और ये एयरपोर्ट का नाम ये ही है देखो, होतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ पताया से इधर, ताकि ये एयरपोर्ट का कुछ वीडियो आप लोगों को दिखा सकूँ। पहले तो इधर कोरोना था, कोरोना की वजह से बहुत सारी फ्लाइटें नहीं आ रही थी, बंद हो चुके थे ना, तो अभी इन्होंने ये फ्लाइट स्टार्ट कर दिया। ये फ्लाइट जो है ना पहले दुबई मेरे ख्याल में अभी कुछ वक्त हो गया स्टार्ट हो गया। वैसे तो मैं पैदल जा रहा हूँ, ये एयरपोर्ट है देखो, वैसे तो इसका नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब होतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये इंटरनेशनल इसलिए डाला गया कि यहाँ से रशिया से भी बड़ी फ्लाइट आती हैं और दुबई से भी, दुबई से तो वही छोटा फ्लाइट जो पहले दुबई है वही आ जाता है। और जिधर आप लोगों को दिख रहा है ना वो कार पार्किंग है, देखो मैं दिखा देता हूँ, आप लोग आ जाओगे तो कार पार्किंग यहाँ करो, यहाँ पर अपना कार को पार्किंग करो। और मेरा हाथ में तो मोटरसाइकिल था, इधर पीछे 711 भी है और इसकी पीछे आगे जाके वो देखो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, मेरा मोटरसाइकिल मैंने उधर ही खड़ा कर दिया, सिक्योरिटी ने बोला कि वहाँ मोटरसाइकिल का पार्किंग है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो होतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी लिखा हुआ है, होतापाओ पताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट रयोंग पताया। वैसे तो इतना खास नहीं है लेकिन है इंटरनेशनल, ज़्यादा फ्लाइट नहीं आते हैं, थोड़े फ्लाइट आ जाते हैं मतलब यहाँ पर। वहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे एंट्री करके गाड़ी पार्किंग करो, नहीं तो अगर आप बाहर से आओगे तो यहाँ से एक्सिट होके आपको आगे टैक्सी वगैरह बहुत मिलेंगे। अभी सही देखो इस एयरपोर्ट का टर्मिनल, वहाँ देखो ग्राउंड है, वहाँ एक चार्ज भी खड़ा था जो रेंडविक्स बोलते हैं, रीड विंग्स इसका नाम था एरोप्लेन का। तो रशिया से आता है डायरेक्ट, बाकी पहले दुबई आपको यहाँ पर हर दिन जो है ना लेकर आता है, सुबह का भी एक है और शाम को भी एक है, मतलब दिन में दो फ्लाइटें आते हैं दुबई से। अगर आपको थाईलैंड घूमने के लिए आना है पताया सिटी में तो फिर आप पहले दुबई के ज़रिए आ जाओ तो आप लोगों को टिकट बहुत सस्ता मिलेगा। जैसा आप अगर कराची से निकलोगे तो अभी आपको दुबई जाना पड़ेगा, लाहौर से या बम्बई से या कहीं से भी, लेकिन बम्बई वालों को तो यहाँ पर थाईलैंड के लिए तो सस्ते फ्लाइट मिल जाते हैं वहाँ से, जैसा इंडिगो वगैरह वगैरह है। तो खास कर ये दुबई से जो हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो है ना आना चाहते हैं तो पहले दुबई के ज़रिए डायरेक्ट आ जाओ, आप लोगों को बैंकॉक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये एयरपोर्ट में आना पड़ेगा। ये पताया का एयरपोर्ट है, इसका नाम है होतापाओ, यहाँ आप लोगों को सस्ता फ्लाइट मिलेगा और अच्छा है।
मतलब ये जो काना माना कुछ नहीं देता है ना, ये सस्ता जो टैक्सी प्लेन बोलते हैं, प्ले दुबई, ये आ जाता है डेली। एक तो दिन को 11 बजे आ जाता है और एक रात को 8 बजे यहाँ पर पहुँचता है। चलें अभी मैं इधर, ये 7-Eleven है, देखो गर्मी इतना ज़्यादा है कि पानी वगैरह लेके फिर वापस अपना मोटरसाइकिल के ज़रिए, ये खास कर आप मैं इधर आ गया था अपना, ये आप लोगों को ये एयरपोर्ट दिखाने के लिए कि यहाँ पर अभी ये सहूलत फराम किया गया, पहले दुबई डायरेक्ट आता है। तो फिर आगे जाके और रिकॉर्ड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो मैंने ये वीडियो इसलिए, मैं देखो गर्मी में मोटरसाइकिल चला के पताया से इधर आ गया। पताया यहाँ से तकरीबन 47 किलोमीटर दूर है, पताया का जो शहर है, पताया का जो बीच है वो 47 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर। तो आगे जाके मैं दिखा देता हूँ रोड भी कैसे हैं, मैं किस तरह आ गया ये भी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल अभी 7-Eleven में एक पानी तो ले लो, नहीं तो हालत बहुत गर्मी है भाई यहाँ पर। वैसे तो इधर भी देखो मौसम कैसा है जी। ये मिनी बस है, यहाँ से सीधा पताया एयरपोर्ट से पताया बीच 40 मिनट में आप लोगों को पहुँचाता है, मतलब 40 मिनट पे। और इसका प्राइस है 1500, ये जितना पैसेंजर बैठेगा 1500। ये देखो ये उतापाओ एयरपोर्ट है, ये उतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से अगर आप लोग आओगे तो आप लोग अगर 4-5 बंदे हैं तो कितना अभी आदमी है तो मुश्किल नहीं है। हाउ मेनी पैसेंजर? नो प्रॉब्लम, कैपेसिटी फुल, नो प्रॉब्लम राइट? जस्ट 1500 फ्रॉम 1500 फ्रॉम पताया, फ्रॉम उतापाओ टू पताया, पताया बीच। ओके, व्हाट यू नेम माय फ्रेंड? Sain and Lon, this is you driver right here, right? Yeah. He is the driver here. He sent me 1500 from Utapao International Airport to Pattaya Beach, around 40 minutes. Yeah. Okay. Thank you, my friend. You from Thai? Is from Thailand and from Thailand. Good man. Okay. So bye bye. जी ये देखो आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ, ये दिखा हुआ है उतापाओ नयोंग पताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे तो यहाँ पर देखें आप लोग क्वाइट सिचुएशन है, क्योंकि ज़्यादा फ्लाइट तो नहीं आते हैं, थोड़ी सी फ्लाइट आ जाते हैं यहाँ पर। और इस तरह की अगर आपको कार में रेंट, मतलब कार के ज़रिए आप और पताया जाना है तो 40 मिनट लग जाता है यहाँ से। और कार का रेंट तो मैंने नहीं पूछा, बाकी ये जो है ना देखो ये इसमें जितना बंदे आप लोग बैठेंगे ये सिर्फ 1500 लेता है, जितना इसको फुल करो, मतलब चाहे 10 आदमी है चाहे 15 आदमी है इसमें आ जाते हैं तो इसका टिकट जो है ना 1500 बात बता रहा है। तो यहाँ से सीधा उधर लेके जाएगा, किधर? पताया बीच में आपका होटल जिधर भी है आपको वहाँ तक लेके जाएगा। 1500 बात लेते हैं ताई बात ना। इसके अलावा ये एयरपोर्ट जो अभी आप लोगों ने देख लिया, इसका अंदर भी मैंने देख दिखाया और बाकी बाहर वाली साइड भी दिखा रहा हूँ। जैसा फ्लाइट का टाइम शुरू होगा ना फिर ये बेचारे यहाँ पर अभी सो रहे हैं, देखो इसके अंदर जो मैंने ड्राइवर का रिकॉर्ड किया ना ये बेचारा अभी इधर सो रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट इन लोगों को पता है कौन सी टाइम पे आता है। जब फ्लाइट आ जाते हैं तो फिर ये खुद ब खुद बाहर आके अटेंशन हो जाते हैं, कोई पैसेंजर यहाँ से पैसेंजर निकल जाते हैं तो फिर इन लोगों को टैक्सी का ज़रूरत होगा, तो इस तरह की टैक्सियाँ हैं। क्योंकि फ्लाइटें नहीं आ रहे ना इस टाइम, जब फ्लाइटों का टाइम शुरू होगा तो अभी इधर आदमी थोड़ा रश दिखेगा। अभी तो वैसे 1:15 बजे यहाँ से एक फ़्लाइट जा रहा है रशिया के लिए, बोइंग 777। उसके बाद फिर दूसरे फ्लाइट जब रात को आ जाते हैं तब आ जाते हैं। मुझे अभी यहाँ पर जाना है अपना, ये देखो मोटरसाइकिल खड़ा है बाहर। चले मैं आप लोगों को मोटरसाइकिल भी दिखाता हूँ अपना, ये देखो मैंने यहाँ पर पार्किंग किया। ओके माय फ्रेंड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ा इन लोगों को मैंने ये बताया था कि बेचारा खुश हो जाए यार, गरीब लोग हैं। वैसे थाईलैंड में लोग अच्छे होते हैं यार, कोई चीज़ में बुरा नहीं मानते। अगर हम ये रिकॉर्ड वीडियो कहीं दूसरा मुल्क में करता तो पूछ पाछ करते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, फिलाना है टिपकाना है ना, बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं। इसलिए हम लोग का मुल्क में और बाकी मुल्कों में जो है ना ये मसले हैं, पूछना नहीं चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब के लिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर हमारे मुल्कों में जो है ना ज़्यादा पूछ पाछ करते हैं क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। ये देखो ये बेचारा भी ऐसा गाड़ी के अंदर सो रहे हैं, ये भी सो रहे हैं,
जब फ्लाइट का टाइम शुरू होगा तो फिर मैंने आप लोगों को बताया इन लोग का टाइम, फिर उधर जाके खड़े हो जाते हैं बेचारा। बाकी इस तरह है ये, पता नहीं यहाँ पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ये डोमेस्टिक टर्मिनल है टर्मिनल वन, और टर्मिनल टू जो है ना इंटरनेशनल है। अभी मैंने देखो यहाँ पर मोटरसाइकिलों का पार्किंग है, मैं ये मोटरसाइकिल रेंट पे लिया, खास तौर पर मैं आज आया हूँ ये एयरपोर्ट को आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इस एयरपोर्ट का रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि पहले दुबई सस्ते फ्लाइट है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान से भी, कराची से भी, कहीं से भी अगर पहले दुबई लेके जाता है फिर आपको ये पटाया सिटी में डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ता फ्लाइट है। इसलिए मैं ये एयरपोर्ट को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का बारे में थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा ना। कोई कैनेडा में बैठा हुआ है, कोई लंदन में बैठा हुआ है, वो सोचेगा यार मैं कैसा जाऊँ। नहीं, आप बैंकॉक देखो, अगर आप दूर से आ रहे हैं ना, मतलब लंदन से या कैनेडा से, फिर आप बैंकॉक में आ जाओ, फिर बैंकॉक से आराम से आ जाओ। अगर आप ये कराची या मतलब बम्बई वगैरह, तो फिर आप लोगों के लिए पहले दुबई, बम्बई के लिए नहीं, बम्बई तो डायरेक्ट आ जाते हैं, वो उसके लिए तो सस्ता टिकट मिल जाता है इंडिको वगैरह वगैरह। बाकी पाकिस्तान की उस साइड में जैसा ईरान से, जॉर्डन से, कतर से, दुबई से, बहरीन से, कोई भी जगह से अगर आ रहे हैं लोग, तो पहले दुबई के ज़रिए आओगे तो आप लोगों को बहुत आसानी मिलेगा, मतलब सस्ता टिकट मिले, सस्ता टिकट आप लोग खरीदोगे और बाकी आप लोग डायरेक्ट पता आ जाओगे बैंकॉक में जाने का। चलें फिर, अभी मैं ये मोटर स्टार्ट करता हूँ अपना, ये देखो ये मोटरसाइकिल है मेरा, अभी रेंट पे लिया है मैंने, 150 बात है नहीं, 150 रुपया यहाँ का एक दिन का लगता है। तो मैंने, मेरा पास लाइसेंस था तो मैंने ये ले लिया। फिर मैं अभी पताया यहाँ से 47 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप लोग गाड़ी में जाएगा, ये लोग सुपराई मोटरवे में यूज़ करते हैं ना, 40 मिनट में पहुँच जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें फिर, अभी मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर आप लोगों को आगे वाला जो कोई रास्ता होगा ना आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो वो है देखो, वही एयरपोर्ट है। अभी मैं ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हूँ बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप लोगों को इस तरह दिखा देता हूँ एक बार टर्मिनल, देखा चलो मैं कैमरा घुमा इस तरह, आप लोग देखो, ये देखो, ये होता पावी एयरपोर्ट है, कितना छोटा दिखता है, यही है भाई। चलें, वैसे तो यहाँ पर अभी बारिश का भी कुछ इम्कान है, वैसे तो अभी इस गर्मी में मैं अभी यहाँ से ऐसा निकलूँगा, फिर आगे मिलिट्री कैंप है, फिर वहाँ से कोई जंगल आ जाते हैं उसका भी तस्वीर निकाल दूँगा, वीडियो निकालूँगा, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा। और उसके बाद ये धूप में खड़ा हूँ ना, थोड़ा स्पीड से बात करता हूँ इसलिए थोड़ा सा गलती हो जाता है मेरे से हमेशा। देख लिया आप लोगों ने, यही है बस उतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जी। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम हेयर डोंट गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, सो एयरपोर्ट टर्न लेफ्ट, यानी आप लोग अगर वहाँ से आ रहे हैं तो ये रनबोर्ड आप लोगों को मिलेगा। ये देखो, इसमें प्लेन, ये प्लेन का जो है ना ये डिज़ाइन इधर रखा हुआ है, तो आप लोगों को सीधा ना निकले हैं, सीधा जो है ना एयरफोर्स का जगह है, लेफ्ट एंड में चले जाएँ, वहाँ पर एयरपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। कोई एयरप्लेन जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, फोकर है। चलें, अभी ये रनबोर्ड है देखो, जब भी आप लोग आओगे ना तो आप लोगों को एयरपोर्ट थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि आप लोग अगर किसी ड्राइवर के साथ आ रहे हैं तो मुश्किल नहीं, अगर मोटरसाइकिल में आ रहा है तो फिर आप लोगों को ये जगह मिल जाएगा, फिर यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आगे नहीं जाओ, डायरेक्ट आगे जाओगे तो आप लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा, इसमें लेफ्ट एंड में जाने का, फिर एयरपोर्ट का टर्मिनल आ जाता है, जैसा मैं आया ना ये रोड से देखो। चलें फिर और आगे जाके और भी जी, ये रोड है जो सीधा आप लोगों को उतापाओ इंटरनेशनल रयोंग पताया एयरपोर्ट। अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वो रनबोर्ड था ना जो आप लोगों को दिखाया, अभी ये सीधा यहाँ से आप लोगों को, वैसे तो ये जगह भी बहुत खूबसूरत है और सन्नाटा है, अगर आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो फिर इसी ब्लू लेन के ऊपर से चले आ जाओ, एक एकदम सेफ्टी है ना, थाईलैंड में हर जगह में इस तरह की रोड बने हुए। तो चलो मैं आप लोगों को इस तरफ भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर पहाड़ी इलाका, ज़राती इलाका भी वैसे बहुत है, ये देखें ये, अभी यहाँ से फिर मैं लेफ्ट एंड में जाऊँगा, फिर आगे जाके फिर बड़ा रोड मिल जाएगा, रयोंग पताया वाला रोड। अभी यहाँ पर एयरपोर्ट जो है ना, इसलिए आदमी को कन्फ्यूज़ करते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते हैं, ऐसा नहीं है, सीधा इधर से आ जाओ, सीधा उधर, फिर उधर से रनबोर्ड से सीधा नहीं जाने का, लेफ्ट एंड में जाने का, एयरपोर्ट का डायरेक्शन भी लिखा हुआ है। चलें, वैसे तो मैं अभी इधर खड़ा हूँ धूप में,
फिर इसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोई और जगह भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये टोपी पहनना भाईजान ज़रूरी है यहाँ पर, नहीं तो पुलिस फाइन मार देगी। आप लोग सीधा आ जाओगे इसी रोड से, फिर इस तरफ जाने के लेफ्ट हैंड में जो ये रोड मैंने आप लोगों को दिखाया, मगर आप लोग यहाँ से आ रहे हैं ना हाईवे रोड से, तो आप लोग सीधा जाओगे कोई समंदर ममंदर की साइड मिलेगा, और एयरपोर्ट का डायरेक्शन देखो यहाँ से लिखा हुआ है उतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखो ये रोड सीधा उतापाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है, ये साई बोर्ड है। और उसके बाद ये रोड है। वैसे यार थाईलैंड तो बहुत खूबसूरत है, तो देखो यहाँ पर एयरपोर्ट का रोड है और कितना सुंदर, इतना सफाई से गाड़ियाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, साफ सुथरे इलाका है और जैसा लगता है खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं। देखो ये देखा, एकदम खूबसूरत खूबसूरत। ये पताया स्टेशन से, पताया बीच से आओगे ना जब यहाँ से बड़ा रोड से है, तो फिर आपको एयरपोर्ट की तरफ यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो लेफ्ट हैंड में फिर एयरपोर्ट मिलेगा। चले ये देखें, अभी इस वक्त मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल भी चला के ना, तो आप लोगों को ये शहर कैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर खूबसूरत। मतलब ये गांव, यहाँ पर जो है ना बादलें भी ज़्यादा होते हैं थाईलैंड में, खासकर देखो आसमान पे ना। मैं ज़रा रुक जाऊँ तो बेहतर है यार, ये मोटरसाइकिल चलाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है, तो ये चाँव में मैं जब खड़ा हो जाता हूँ तो फिर वीडियो बाद में रिकॉर्ड कर देता हूँ। अरे रुक जा फिर, ठीक। ये देखो ये भाई क्या ज़बरदस्त जगह है यार थाईलैंड, आप लोग देखो ना कितना अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पर, खूबसूरत खूबसूरत। चलें, ये सुपर हाईवे अभी आ गया ना, मैं वहाँ से एयरपोर्ट से निकल के अभी यहाँ पर सुपर हाईवे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये अगर इस तरफ सीधा जाओगे तो एयरपोर्ट भी आ जाते हैं लेफ्ट हैंड में, और सीधा जाओगे तो रैयोंग कंदापुरी इस तरह के शहर आ जाते हैं। बट अगर आप लोग आगे जाओगे तो सताए फिर ये रोड ऐसा 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 इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ क्योंकि समंदर पड़ जाता है ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे, तो आप लोगों को इस तरफ जो है ना ये क्या बोलते हैं पताया की तरफ जाना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों को इस तरफ जाना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पर पहाड़ी इलाका भी है बहुत, ये देख लिया आप लोगों ने हाईवे रोड यही है, ये सीधा आप लोगों को अभी पताया की तरफ लेके जाता है ये रोड। बहुत आसान है पताया जाने के लिए एयरपोर्ट से, मगर वहाँ थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि एयरपोर्ट का नक्शनिगार थोड़ा दूसरा तरीके से बनाया गया। चलें फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर आप लोगों को सताइब भी दिखाता हूँ, सताइब जो एक शहर है। यार ये कुत्ता आ रहा है, हो सकता है मुझे काटे ना, जल्दी से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये देखो कुत्ता मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा ना हो कि मुझे काटे, मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट, ये ना पहुँचे मेरे पास। मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि ये नहर में, ये देखो ये जब बारिश का पानी होता है, अरे कुत्ता आ रहा है भाई, स्टार्ट कर। अरे कुत्ता कहाँ तू मेरे को पकड़ेगा, कुत्ता तो गया पीछे। फिर मैं स्टॉप करके अपना बात पूरा कर लेता हूँ। कुत्ता मेरे से डर रहा था, मैं खुद कुत्ते से डर रहा था, ये मोटरसाइकिल स्टॉप हो जाए। चले देखो ये ओ कुत्ता, अरे अरे कुत्ता फिर मेरे पीछे आ रहा है भाई, भागो यहाँ से, भाग भाग जल्दी भाग, कुत्ता आ रहा है पीछे। थोड़ा मैं दूर जाके खड़ा हो जाता हूँ, यार ये कुत्ता मेरे पीछे पड़ा हुआ है। इस रोड के हवाले से, खासकर थाईलैंड में जो क्या क्या होता है ना, मगर यहाँ देखें पहले कोई कुत्ता तो नहीं है। चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ, अरे रुक जा, अरे वही कुत्ता मुत्ता कुछ नहीं है, कुत्ता सब पीछे चले गए।
देखो ये रोड में जो इस तरह का जो नदी होता है ना, ये बारिश का पानी के ज़रिए से, मतलब बारिश का पानी यहाँ रोड पे जमा नहीं होते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो बारिश का पानी मतलब यहाँ से किनारे से निकल जाते हैं, तो रोड महफूज रहता है। बहुत सारे मुल्कों ने यही चाल बना के रखा है, मतलब किनारे में एक नदी बना देते हैं छोटा सा, ये साइड में भी जैसा बारिश होगा तो पानी बारिश की मतलब जो है ना इसमें रोड में नहीं रुक जाते हैं, तो फौरन जो है नदी में गिर जाते हैं। मगर एक बार को अगर आपको गाड़ी चलाने वक्त नींद आ गया ना, तो आपका गाड़ी भी इसी नदी में जा सकते हैं। चलो मैं आगे जाके, अभी कोई कुत्ता मुत्ता तो नहीं है, एक मोटरसाइकिल तो उधर से भी आ रहा है भाई, ये देखो मेन रोड है ना, चलें फिर आगे काट कर। ये देखो यू टर्न कैसा बनाया इन्होंने, जब आपके पास टेलर होगा ना टेलर, तो टेलर के ज़रिए आप यहाँ से डायरेक्ट मोड़ोगे तो पीछे की गाड़ी पहुँच जाएगा फौरन, आपको टाइम नहीं देगा, पीछे की गाड़ी आ जाएगा। अगर ज़्यादा दूर है तो भी गाड़ी स्पीड से आ जाते हैं, तो आपको टेलर के ज़रिए टर्निंग करना, यहाँ से यू टर्न मारना मतलब मुश्किल होता है। तो इन्होंने ताई वालों ने जो है ना एक दिमाग लगाया, यू टर्न को इस तरह बड़ा कर दिया। देखो जैसा ट्रेलर फौरन इसी रोड पर इंटर होता है ना, तो डायरेक्ट इसमें स्पीड से मतलब यहाँ आ जाता है, तो गाड़ियाँ जो है ना वो गाड़ियों को मुश्किल नहीं होगा, वो ट्रेलर को आराम से फिर इसी रोड को ज्वाइन करके सीधा जाएगा। यानी क्या दिमाग है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप लोग समझ जाओ कि ये थाईलैंड के लोग जो है ना कितना समझदार होते हैं। ये जगह है भाई, आगे और भी जगह आ जाएगा, अच्छा अच्छा खूबसूरत। ठीक है, अभी मैं और भी आगे जाके कुछ रिकॉर्ड कर देता हूँ। वैसे यार बहुत गर्मी पड़ा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रुकता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि सब वीडियो को अच्छा जुड़ा देता हूँ। देखो ये जो अभी मेरा ये शहर है ना, ये पीछे नज़र आ रहा है, ये सताहिब बोलते हैं, सताहिब। ये पताया से जब आप लोग निकलोगे, पताया एयरपोर्ट की तरफ बीच में कुछ ऐसे सिटी आ जाते हैं छोटे छोटे, यही है, इसको सताहिब बोलते हैं। चलो मैं आप लोगों को कैमरा दिखा देता हूँ, ये सताहिब है। अभी यहाँ पर भी एक वैसे तो लोटस वगैरह बोलते हैं यहाँ पर, ये देखो बराबर सही तरीके से, ये सताहिब सिटी है। अभी यहाँ से आगे जाओगे तो इस तरफ जाओगे तो पताया की तरफ जाओगे, अगर इस तरफ जाओगे तो समंदर की तरफ। चले समंदर भी थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस तरफ जाता हूँ पहले। सताहिब का बीच इतना खूबसूरत नहीं है, यहाँ तो थोड़ा सफाई भी नहीं है, देखें ये गटर का पानी है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, समंदर में फैलाता जा रहा है। यहाँ इतना साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब इतना खूबसूरत जगह नहीं है। वैसे पिकनिक कर सकते हो, उसके ऊपर से पैदल जा सकते हो, वहाँ पहाड़ भी हैं, देखो इस तरह के पहाड़ों में भी मतलब वीडियो बना सकते हो। अगर इसके अंदर जाओगे, वो आइलैंड होते हैं ना, आइलैंडों में शायद खूबसूरती होगा। देखो मैं थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ, इस तरह के आइलैंडों में जो है ना खूबसूरती है, सताहिब का जो आइलैंड होते हैं ना, इसमें खूबसूरती होगा शायद। ये बूट लेके जाते हैं, पता नहीं क्या किराया होगा, अगर मुझे मौका मिला मैं वहाँ जाके पूछ लेता हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल यहाँ पर बिना सेफ्टी आए ना। मगर थाईलैंड में चोर नहीं है, मगर फिर भी ज़ाहिर है मैं जिस मुल्क से आ रहा हूँ उस मुल्क का घबरा, उस मुल्क में चोरियाँ ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए घबराहट होता है ना, ये वही आदत पड़ गया। ये सताहिब ये बीच है, और ये जो है ना समंदर है उसकी बाजू में। अब जाके आगे थोड़ा सा और भी रिकॉर्ड कर देता हूँ, सताहिब। ये देखो सताहिब विलेज है, सिटी है मतलब, ये इसका अंदर अभी देखो इस तरह की गांव होते हैं। थाईलैंड में आप किसी गांव में भी चले जाओ, आपको इस तरह सुंदर दिखेगा, जो खूबसूरती में मतलब ज़्यादा होते हैं। और ये जो इन लोगों का अपना जो मज़ार होते हैं ना, ये इन लोगों का हर जगह में पड़ा रहता है। ये देखो थाईलैंड में किसी भी जगह में जाओ, आपको इस तरह का खूबसूरती दिखेगा, ये इन लोगों का मज़ार होते हैं। ये सताहिब सिटी है, इस तरफ समंदर है, उस तरफ पताया की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी ये देखो थोड़ा सा देख लो आप लोग, दिस इज़ सताहिब, सताहिब सिटी, सताहिब। वैसे तो यहाँ सताहिब भी थोड़ा खूबसूरत दिख रहा है, अभी मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ,
ये देखो इसकी श्रुति, ये सताइफ का समंदर है और यहाँ शायद आदमी ना आ सकता क्योंकि बहुत गहरा है, पानी भी नीचे है। देखो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पर बड़े बड़े शिप भी खड़े हैं। वो देखो शायद कुछ नेवी का कैंप वगैरह होंगे या कोई दूसरा काम का कार्गो वगैरह ना। तो इधर का खूबसूरती यही है कि इसमें पहाड़ हैं, देखो समंदर के अंदर भी आप लोगों को पहाड़ दिखते हैं ना जजीरा, तो इस तरह जो है ना समंदर थोड़ा और खूबसूरत दिखेगा। यहाँ पर कार्गो शिप बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल में यहाँ पर सनती कार ज़्यादा होता है ये शिपों के ज़रिए। जो मैंने शुरू में दिखाया वो उस इलाके में था, गंदा इलाका जो गटर का पानी निकल रहा था ना मैं आप लोगों को दिखाया, तो उधर मुझे मालूम नहीं था, फिर मैं अभी इधर आ गया। ये देखो यहाँ से आप वॉक भी कर सकते हो और बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है सताइफ। अभी मालूम पड़ा क्योंकि पहले मालूम नहीं था, मैं वहाँ आ गया था ना, फिर वहाँ से आप इस तरफ नहीं आ सकते हो, फिर आपको सिटी से फिर इधर आना पड़ेगा, यानी रोड इस तरह के बनाया इन्होंने। तो देखें फिर दोबारा, अभी आप लोगों ने देख लिया ये जगह ठीक है। अभी ये देखो ये सिटी है इसके पीछे, तो मैं इधर से आ गया, अपना ये मोटरसाइकिल पार्किंग किया और वही देखो समंदर की सतह, ये सताइफ है, खूबसूरत है ना वैसे देखने में, बहुत अच्छा लगता है। शाम के वक्त अगर आप फैमिली के साथ आओगे या आप पैदल भी चलोगे तो ये समंदर का हवा आता रहेगा और मज़ा ही आता। तो बहुत गहरा है देखो, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाता है कोई गिर गया तो समझो चला गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े शिप भी खड़े हो जाते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये बहुत नीचे है पानी, तो इन्होंने इधर बाउंड्री भी नहीं डाला ताकि आदमी, यहाँ के आदमियों को तो पता होता है लेकिन बाहर के आ जाते हैं ना, अगर अचानक बच्चा खेलते खेलते यहाँ गिर जाए तो कोई टेंशन नहीं करो, यहाँ पर नेवी कैंप भी है और वहाँ से आप लोगों को बचा देते हैं। और ये देखो वहाँ उधर इस तरफ जो है ना उन्होंने बॉर्डर डाल के रखा, मतलब ये बाउंड्री जो होती है ना ये स्टील का जो ये डाल के रखा है ताकि आदमी गिर ना जाए, मगर यह पानी बहुत गहरा है, यहाँ से पता चलता है ग्रीन कलर है। पानी तो गंदा है वैसे, यहाँ पर ग्रीन है, समंदर तो थोड़ा आगे जाके तो साफ दिखेगा फिर ना। अभी देखो मेरे को मालूम पड़ा मैं इधर किनारे में आ गया, मैं देखा रहे मेरे सर में चक्कर आ रहा है, चलो भी साइड में। वैसे तो यार यहाँ पर खूबसूरती तो दिख रहा है ना आप लोगों को, वैसे भी देखो कितना सुंदर जगह है, इतना खामोशी से आप पिकनिक कर सकते हो, यहाँ पर पैदल भी जाओगे ना शाम के वक्त तो आप लोगों को यकीन करो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा सादगी मिलेगा और मज़ा भी आएगा, यानी यहाँ पर इंजॉयमेंट है। थाईलैंड में कहीं भी आप चले जाओ ना आप लोगों को बोरियत नहीं मिलेगा, ये इसीलिए इसका नाम जो है ना, मतलब लोगों ने टूरिस्ट कंट्री इसलिए रखा कि यहाँ पर टूरिस्ट वाले आ जाते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना ये अंधेरा अंधेरा जो बादल चपके में, ऐसा ना हो कि रास्ते में मैं मोटरसाइकिल चलाते चलाते मुझे मोटरसाइकिल में फिर बारिश पकड़े, इसलिए मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल टाइम तो हो गया तकरीबन 4:31 शाम को, 30 तारीख है आज, ट्यूज़डे का दिन है, थोड़ा इसका नज़र देख लेंगे एक बार फिर वापस मैं यहाँ से वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। यार खूबसूरत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, अगर आप यकीन करो ना आप लोग अगर फैमिली के साथ आओगे तो। पताया सिटी तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा बदनाम है, मतलब ना वहाँ पर फैमिली नहीं लेके जा सकते, लेकिन यहाँ अगर आप फैमिली के साथ किसी रेंट कार में अगर आप आओगे यहाँ पर गाड़ी खड़ा करके आराम से, मतलब पिकनिक यहाँ पर आप पैदल भी चलोगे शाम के वक्त, और ये समंदर का सादगी और ये पहाड़ों का देखो खूबसूरती और ये आसमान का माशाल्लाह खूबसूरती। यहाँ पर थाईलैंड में जो है ना आसमान में बादलें ज़्यादा होते हैं तो, और ब्लू आसमान होता है, डस्ट वगैरह नहीं है, यहाँ पर आसमान क्लियर दिखता है और खूबसूरत दिखता है। देखो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, चले यहाँ से अभी ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, चलो ये थोड़ा मैं आगे जाके फिर भी शायद देखता हूँ कोई अच्छा जगह मिला। वैसे ये सताइफ सताइफ विलेज बोले या सिटी बोले या गांव बोले जो भी बोले, मतलब खूबसूरत होते हैं, बड़ा शहर है लेकिन इतना खास नहीं है, मतलब हम लोगों का नेशनलिटी तो नहीं है ज़्यादा, मतलब ये बाहर के लोग नहीं है ज़्यादा, आपको यहाँ पर जो है ना ताई लोग मिलेंगे यहाँ पर जो ओरिजिनल ताई है ना, बाकी पता है मैं आप लोगों को फॉरनर पर मिल जाता हूँ। अभी देखो खड़ा हूँ ये मोटरसाइकिल, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करके ये चाबी है यहाँ से स्टार्ट करके ये टोपी सर में डाल के फिर जाऊँगा पताया की तरफ, थोड़ा चाउनी मिल गया यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे दरख्त हैं खूबसूरती है, तो मैं इधर थोड़ा स्टॉप किया इसलिए ताकि ये खूबसूरती जो है ना पीछे जो पड़ा हुआ है ये खूबसूरती आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया।
चलें। ये सताएब सिटी था, सताएब सिटी था, तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को इसका जो है ना खूबसूरती दिखाने के लिए मतलब वीडियो रिकॉर्ड करना। ये देखो ये सताएब है। सीधा जाओगे तो आप लोगों को समंदर मिलेगा, लेफ्ट हैंड में जाओगे तो आप लोगों को ये सिटी की इस तरफ जो है ना अंदर जो बाज़ार होते हैं मार्केट होते हैं वहाँ पर जाएंगे। टोपी तो मैंने सीधा मुझे सीधा करना है ना इसलिए जी। अभी ये देखो मेन रोड है ये, अभी मैं वहाँ से एयरपोर्ट से और सताएब से होकर आ रहा हूँ। अभी ये सीधा तरफ ये देखें, ये रोड सीधा आप लोगों को पताया सिटी की तरफ लेकर जाएगा। हाईवे रोड है, पताया सिटी की तरफ जा रहा है। बीच के हवाले से, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा वेट रिकॉर्ड किया होगा तो फिर ज़्यादा नहीं। यहाँ पर ऐसे मज़े मतलब खूबसूरत इलाके हैं। ये बहुत लंबा बीच है, ये चौंगसेन और कोलान बीच है। उसके बाद फिर बताया कि पास आ गया हूँ वही जो उतापा एयरपोर्ट से। चलाते यहाँ अभी जाके आगे थोड़ा सा फिर बैठ गया। पहुंच गया हूँ, ये देखें, ये पताया कलां बोलते हैं इसको, पताया कलां। जी मैं अभी अपार्टमेंट में पहुंच गया हूँ पताया में। ये मेरा अपार्टमेंट है, वो देखो मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है उसके बाजू में, और ये ऊपर अभी मैं जाऊँगा, मेरा अपार्टमेंट है जी। इस वीडियो के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया, अभी मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।